अगर आप ये सोचते हैं कि आपको दुनिया भर की सारी जानकारी है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये इतनी हैरत अंगेज है कि इन्हें देखने के बाद आप खुद की भी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही जानवरों की दुनिया में भी कुछ गिने चुने जानवर को ही आपने अभी तक देखा है या उनके बारे में सुना है। इस दुनिया में कई ऐसे जानवर भी हैं जिन्हें आज तक आपने देखा नहीं होगा, और अगर देख लें तो शायद अपनी आंखों पर विश्वास भी ना कर पाए। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 जीवों के बारे में बात करने वाले हैं जो इतने अजीब और गरीब हैं कि आप इन्हें देखकर एलियन समझने की गलती भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं अजीब और गरीब जीव। नंबर 10, टार्डिग्रेड। वाटर बेयर के नाम से मशहूर टार्डिग्रेड की बॉडी देखकर तो आप भी ये समझ ही गए होंगे कि इसका नाम इस लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है। ये दिखने में तो किसी एलियन जैसे ही हैं, मगर इनकी एक और बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी एटमॉस्फेयर में जिंदा रह सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये जीव चाहे टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस में हो या फिर -200 डिग्री सेल्सियस, किसी भी कंडीशन में रह सकता है। आमतौर पर पानी या फिर दलदल में पाया जाने वाला टार्डिग्रेड कहीं भी रहने में इतना काबिल है कि साल 2007 में यूरोपियन रिसर्च टीम ने करीब 3000 टार्डिग्रेड को 12 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा था, मगर ताज्जुब की बात है कि अंतरिक्ष में भी आसानी से सरवाइव कर गए। इनमें से करीब एक तिहाई टार्डिग्रेड को वापस धरती पर भी लाया गया। दरअसल इन टार्डिग्रेड के शरीर में पैरा माइक्रोबायोटस पाया जाता है जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से इन्हें बचा कर रखता है, और इस कारण ही ये किसी भी स्थिति में सरवाइव कर लेते हैं। नंबर 9, फ्रिल्ड लिजर्ड। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में रहने वाली ये लिजर्ड हमारे आसपास रहने वाली लिजर्ड से बिल्कुल अलग है। दरअसल फ्रिल्ड लिजर्ड को गर्म वातावरण में रहना पसंद है और ये अपना अधिकतर समय पेड़ों पर ही बिताती है। ये इतनी तेज है कि बहुत ही कम समय में पेड़ों पर चढ़ जाती है, मगर इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज स्पीड नहीं बल्कि उसकी गर्दन के आसपास होने वाली झालर है। इसकी ये झालर किसी ड्रैगन की तरह दिखाई देती है। जब ये अपने शिकार को देखकर अपने मजबूत पंजों पर खड़ी होती है और इन झालर को खोलकर फुफकारती है, जो किसी बड़ी शामत से कम नहीं लगती। इनसे जुड़ी एक अजीब बात है कि अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो सकती है और जरूरत पड़ते ही भाग भी सकती है। इसके शिकार की लिस्ट में कीड़े से लेकर मकड़ी, चींटियां, पतंगे, तितलियां, छोटी छिपकलियां भी शामिल हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर इस मॉन्स्टर की लंबाई 3 फीट और वजन 1 किलो तक होता है, जो कि इसे और भी डेंजरस बनाता है। नंबर 8, यूमिलीव्स पर्सिफनी। दोस्तों, अब हम आपको जिस जीव के बारे में बता रहे हैं, इसे देखकर आम इंसान तो क्या, वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूमिलीपस पर्सिफनी के बारे में, जो कि एक मिलीपीड प्रजाति का जीव है। वैसे तो आमतौर पर आपने एनिमल्स के 2, 4 या 8 पैर देखे होंगे, लेकिन इस खूंखार जानवर के 1306 पैर होते हैं। हैरान मत होइए, आपने बिल्कुल सच सुना है, इसके पैरों की संख्या 1306 होती है। इससे पहले ये रिकॉर्ड इलाक में प्लानिपस के नाम था, जिसके 750 पैर पाए गए थे, लेकिन अब इसके आने के बाद उसका भी रिकॉर्ड टूट चुका है। इसे देखने पर आप पाएंगे कि किसी लंबी रस्सी की तरह दिखाई देता है जो जीने के लिए फंगस खाता है। इसका सिर किसी आइसक्रीम के कोन की तरह दिखता है जिस पर एंटीना लगे होते हैं। ये अपने एंटीना की मदद से ही अंधेरे में भी रास्ता खोज लेते हैं। इससे उनका शिकारी वहीं उलझकर रह जाता है, क्योंकि ये जमीन के करीब 200 फीट नीचे तक रहते हैं। मगर ये बात भी कुछ कम नहीं है कि किसी जीव के इतने पैर होते हैं। नंबर 7, स्टार नोज्ड मोल। हम अपनी आम लाइफ में कई एनिमल्स ऐसे देखते हैं जिनकी शक्ल तक याद रखना काफी मुश्किल होता है, मगर स्टार नोज्ड मोल ऐसा जीव है जिसे अगर एक बार देख लिया जाए तो उम्र भर भूलना मुश्किल है। दरअसल ऐसा इसकी अजीब नाक के कारण है, क्योंकि इस मोल की नाक किसी स्टार की तरह दिखती है। और ये केवल दिखने में ही खास नहीं है, बल्कि इसकी और भी कई खासियतें हैं। दरअसल इसकी ये खासियत है कि इसकी इसी नाक के कारण ये बहुत कम ऑक्सीजन वाली जगह पर भी जिंदा रह लेता है। अपनी इसी खूबी के चलते ये जमीन के काफी नीचे तक रह सकता है। इसकी एक और खास बात है कि अपनी नाक से किसी चीज को छूकर ही पता लगा लेता है कि वो चीज खाने लायक है या नहीं। इसके अलावा ये अपनी नाक से इलेक्ट्रिकल फील्ड्स और ग्राउंड वाइब्रेशंस तक के बारे में पता लगा लेता है। एनिमल किंगडम में स्टार नोज्ड मोल को सबसे अच्छे खुदाई करने वालों में से एक कहा जाता है। इसके खाने की स्पीड भी आपको हैरान कर सकती है। ये 1 सेकंड से भी कम टाइम में अपने शिकार को पहचान कर पकड़ कर खा सकता है। नंबर 6, ग्लास फ्रॉग।
आपने अब तक कई मेंढक देखे होंगे, लेकिन अब हम आपके सामने जो मेंढक लेकर आए हैं, इसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि कहीं कोई एलियन तो नहीं देख लिया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो आपको बता दें कि ग्लास फ्रॉग एक ऐसा मेंढक है जिसके पेट की स्किन ट्रांसपेरेंट होती है, जिस कारण इसका थड़कता हुआ दिल ही नहीं बल्कि दूसरे अंग भी बाहर से दिख जाते हैं। तो वही इनके शरीर के ऊपर का हिस्सा हरे रंग का होता है, जिसके कारण इनके नीचे का हिस्सा ट्रांसपेरेंट है या आसानी से दिखाई नहीं देता। ग्लास फ्रॉग दिखने में काफी दुबले पतले होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को खतरे में देखते ही आक्रामक होने से भी पीछे नहीं हटते। वहीं इतने निडर होते हैं कि जब कोई शिकारी इसके अंडों को खाने के लिए आता है तो ये अकेला इससे भिड़ जाता है। आमतौर पर इनकी साइज 3 से 7.5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बार में करीब 10 फीट से भी ज्यादा की छलांग लगा सकता है। वहीं इनकी उम्र करीब 14 साल होती है। है ना ये ग्लास फ्रॉग बड़े कमाल की चीज। नंबर 5, टोमोप्टेरिस। टोमोप्टेरिस एक छोटा समुद्री जीव है जिसकी लंबाई कुछ सेंटीमीटर तक ही होती है, मगर ये अपने शरीर की अलग चमक के लिए पहचाने जाते हैं। दरअसल इनके शरीर से एक अनोखी रोशनी निकलती है जो इन्हें बेहद खूबसूरत बनाती है। इनकी लाइट्स को लेकर रिसर्च में कहा जाता है कि जब इसे अपने किसी शिकारी को गुमराह करना होता है तो ये अपने शरीर से येलो बायोल्यूमिनेसेंस छोड़ने लगते हैं। इससे उनका शिकारी वहीं उलझ कर रह जाता है और ये अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती हैं। हालांकि इसमें केवल एक यही खासियत नहीं है, बल्कि इसकी एक और खास बात है कि ये ट्रांसपेरेंट क्रिएचर है जो दुनिया भर के समुद्रों में पाई जाती है। एक तो इसकी साइज कम और ऊपर से इसकी बॉडी भी ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए आसानी से किसी की पकड़ में भी नहीं आती है। नंबर 4, एक्सोलोटल। किसी एलियन की तरह नजर आने वाले इस जीव का नाम एक्सोलोटल है। ये दिखने में तो अजीब है ही, मगर इसकी खूबियां इसे दूसरे जीव से और भी अलग बनाती हैं। इस एक्सोलोटल को मैक्सिकन वॉकिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि इन जीवों में गिल्स और लंग्स दोनों पाए जाते हैं। हालांकि ये मॉन्स्टर जमीन पर भी रह सकते हैं, मगर इन्हें हमेशा पानी में रहना ही पसंद है। इसके अलावा आपको इनके बारे में ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि एक्सोलोटल अपनी बॉडी के लगभग सभी पार्ट्स को फिर से उगा सकते हैं। इन पार्ट्स में उनकी रीढ़ और इंटरनल पार्ट से लेकर दिमाग तक के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए जैसे छिपकली अपनी टूटी हुई पूंछ को फिर से उगा लेती है, वैसे एक्सोलोटल भी अपने शरीर के लगभग हर अंग को बनाने में सक्षम है। बेहद अजीब से दिखने वाले एक्सोलोटल मांसाहारी होते हैं और मुख्य रूप से कीड़े, छोटी मछलियां, लार्वा खाकर अपना पेट भरते हैं, लेकिन कई बार ये खुद भी दूसरे शिकारी जीवों का शिकार बन जाता है। कई बार तो इसे इंसान भी पकड़ कर बेचते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। नंबर 3, ब्राजीलियन ट्री हॉपर। वैसे तो आप इस वीडियो में पहले ही काफी अजीब जीवों को देख चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए ब्राजीलियन ट्री हॉपर जैसा अनोखा जीव आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे देखकर सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है कि कहीं ये किसी और दुनिया में तो नहीं आया है। हालांकि ऐसा नहीं है। दरअसल ब्राजीलियन ट्री हॉपर अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों के रेन फॉरेस्ट में आसानी से देखने को मिल जाता है। इसके अजीब दिखने वाले शरीर के बारे में बात करें तो इसके सिर पर पाई जाने वाली बॉल्स कुछ इस तरह से अरेंज होती है कि किसी हेलीकॉप्टर के जैसी नजर आती है, तो वहीं इसके पंख किसी अम्ब्रेला के जैसे होते हैं जो इसे बारिश में पानी से भी बचाने का काम करते हैं। ब्राजीलियन ट्री हॉपर आम कीड़ों से इतना अलग है कि कई बार लोग इसे देखकर हैरान ही रह जाते हैं। ये जीव अपना पेट भरने के लिए एक ही पौधे को बार बार खा सकते हैं, और जब आप 5 से 6 मिलीमीटर तक लंबे इस क्रिएचर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप सच में कोई एलियन देख रहे हो। नंबर 2, सार्कास्टिक फ्रिंज हेड। बेहद ही विचित्र पाई जाने वाली यह सार्कास्टिक फ्रिंज हेड उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर की गहराई में देखने को मिलती है और दूसरे जीवों के बनाए हुए पिल या ट्यूब जैसी जगहों पर रहना पसंद करती है। इन मछलियों के पास एक बड़ा और भद्दा जबड़ा होता है जिस पर 2 मेंढक जैसी आंखें होती हैं, जिसके कारण यह अजीब और किसी राक्षस की तरह दिखाई देती है। इनके बड़े मुंह की एक और खासियत भी है, जब 2 मेल अपनी टेरिटरी के लिए आपस में फाइट करते हैं तो अपने मुंह का ही इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनमें से बड़ा और शक्तिशाली कौन है। हालांकि आमतौर पर छोटी सार्कास्टिक फ्रिंज हेड बिना लड़ाई के ही हार मान लेती है। नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में पाए जाने वाली ये सार्कास्टिक फ्रिंज हेड आमतौर पर 200 फीट की गहराई तक चली जाती है, जबकि इनकी लंबाई करीब 12 इंच तक हो सकती है। नंबर 1, पूडल मोथ। इस अनोखे जीव की बनावट ही कुछ ऐसी है कि जो भी इसे पहली बार देखता है वो चकित हो जाता है, क्योंकि काफी हद तक ये पूडल मोथ किसी पतंगे और मधुमक्खी की तरह ही दिखाई देता है। लेकिन जहां आमतौर पर जानवरों की हिस्ट्री काफी पुरानी होती है,
तो वही ऐसा कुछ भी इस पूडल मौत के साथ नहीं है, क्योंकि इसे पहली बार साल 2009 में वेनेजुएला के कैनेवा नेशनल पार्क में देखा गया था, यानी ये बहुत पुरानी बात नहीं है। इससे सबसे पहले डॉक्टर एंथर एंकर ने देखा था और इसकी तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया था। हालांकि पूडल मौत की लंबाई केवल 2.5 सेंटीमीटर तक ही होती है, लेकिन यदि ये एकदम से किसी के सामने आ जाए तो किसी को भी डरा सकता है। हालांकि असलियत में किसी रुई के मुलायम टुकड़े से कम नहीं है। आप इसके गद्देदार शरीर को देखकर इसे एक छोटी भेड़ भी कह सकते हैं। वहीं इसके दो पंख और सिर पर निकले एंटीना इसे खूबसूरत बनाते हैं, तो इसके बटन जैसी काली आंखें सिर से थोड़ी बाहर इन्हें एक अलग ही लुक देती हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हम ऐसे ऐसे जीवों से घिरे हुए हैं जिन्हें देखना तो बहुत दूर की बात है, हमने अब तक उनके बारे में भी नहीं सुना है। आज आपने जो वीडियो देखा उसे देखकर भी आपको एहसास हो गया होगा कि हम इतने विचित्र जीवों से घिरे हुए हैं कि अगर ये एकदम से हमारे सामने आ जाए तो हमारी चीख तक निकल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।